फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ एक खट्टी मीठी डिश जिसका नाम है दही बड़ा। दही बड़ा को बहुत सारे लोग दही भल्ले के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं दही बड़ा। लेकिन मैंने दही बड़ा बनाने के लिए उड़द का दाल लिया है। बहुत सारे लोग इसे मूंग की दाल से बनाते हैं, कुछ लोग चने की दाल से बनाते हैं, लेकिन आज मैं उड़द की दाल से दही बड़े बनाऊंगी जो काफी सॉफ्टी होंगे। तो चलिए हम बनाते हैं सॉफ्टी दही बड़ा विद मसाला। तो चलिए दोस्तों, हम बनाते हैं सबसे पहले दही बड़े। दही बड़े बनाने के लिए जो मैंने सामग्री ली है, मैंने लिया है उड़द का दाल, ये सोक किया हुआ है ओवरनाइट। मैंने इसे 1 कप उड़द का दाल लिया है और इसमें मैंने 3 कप सेम मेजरमेंट से 3 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। सॉल्ट, मैंने काजू बादाम और किशमिश लिए हैं इसके अंदर फिल करने के लिए, और हींग लिया है। तो चलिए दोस्तों, हम बनाते हैं हमारे दही बड़े। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस उड़द की दाल को हम मिक्सर जार में डाल देंगे। और इसमें हम हल्का हल्का पानी ऐड करके इसे एकदम फाइन क्रीमी टेक्सचर की तरह पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें मिर्च डाल सकते हैं, सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं ऐड करेंगे। हम पहले इसे थोड़ा थोड़ा पानी करके ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमने इसे पीस लिया है। मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको ग्राइंड किया है एकदम क्रीमी टेक्सचर की तरह। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमने इसका उड़द की दाल का मिक्सचर निकाल लिया है। अब इसे हम थोड़ा 2 से 3 मिनट तक इसे फेंट लेंगे ताकि ये इसमें एयर चला जाए। इसे हमने 2 मिनट तक फेंट लिया है। दोस्तों, आप कैसे पता करेंगे कि हमारे दही बड़े सॉफ्ट बनेंगे या नहीं, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पानी लेंगे, पानी बाउल में, और इसके अंदर थोड़ा सा हम अपने उंगलियों से बस इस तरह इसमें डाल देंगे। आप देखेंगे कि जो हमने उड़द दाल का मिक्सचर जो डाला है वो किस तरह पानी के ऊपर तैर रहा है, यानी ये सॉफ्ट बनेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे कटे हुए काजू बादाम और किशमिश। ये मैंने 10 बादाम, 10 काजू और 15 से 20 मैंने किशमिश लिए हैं। इसे हम मिक्स कर लेंगे। हमें इसे खट्टा मीठा बनाना है, इसलिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किया है। इसमें हम सॉल्ट अभी नहीं डालेंगे, हम सॉल्ट पानी में ऐड करेंगे ताकि जब हम दही बड़े सीधा तेल से पानी में डालें तो वो नमक जो डालेंगे हम वो सोक कर लेगा। हम पानी में नमक ऐड कर देंगे और 1/4 टेबलस्पून हम इसमें हींग ऐड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे हीट कर लेंगे, फिर इसमें ऑयल डालेंगे। हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। और इसे हीट होने देंगे। आप देख रहे हैं हमारा तेल एकदम गर्म हो चुका है।
तो चलिए हम बनाते हैं दही बड़े। सबसे पहले हम हाथों में थोड़ा पानी लगा लेंगे। हीट को हम थोड़ा स्लो कर लेंगे, मीडियम हीट करेंगे, नहीं तो ज़्यादा हीट रहने की वजह से हमारे दही बड़े जल सकते हैं। आप इसे चाहें तो गोल गोल भी बना सकते हैं। कमेंट में मैंने पढ़ा था बहुत सारे लोगों के दही बड़े जो होते हैं वो सॉफ्ट नहीं बनते हैं और कभी कभी गुठलियाँ आ जाती हैं, लेकिन अगर आप उड़द की दाल से बनाएंगे ऐसी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके तो आपके दही बड़े काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। और ये जब आप तेल में से तलेंगे तो ये तेल के अंदर जो तला है वो उस पर पकड़ेगा भी नहीं। आप देख रहे हैं हमारे दही बड़े काफी फूल रहे हैं। मीडियम हीट पे हमें इसे थोड़ा भूरा होने तक पकाना है, गोल्डन ब्राउन होने तक। आप देख रहे हैं हमारे दही बड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल के डायरेक्ट पानी में डाल देंगे। तो चलिए दोस्तों हम बाकी के भी दही बड़े बना लेते हैं। हमारे बाकी के भी दही बड़े बन चुके हैं। अब इसे हम पानी में अच्छी तरीके से सोख करवा देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो दोस्तों हमारा दही बड़ा लगभग तैयार हो गया है, पानी में सोख हो रहा है। तो चलिए हम दही बड़ा का मसाला बना लेते हैं। दही बड़ा मसाला बनाने के लिए हमें सिर्फ तीन चीज़ों की आवश्यकता है। लाल मिर्च, ये मैंने धनिया लिया है जो पीसा हुआ है, अगर आप चाहें तो खड़ा धनिया भी ले सकते हैं, और ज़ीरा। तो चलिए हम इसका मसाला बना लेते हैं। हम फ्लेम ऑन कर लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच जीरा है, ये और लाल मिर्च को डाल के हल्का भूनेंगे धीमी आंच पे। अगर आपने खड़ा धनिया लिया है तो आप साथ ही में ऐड कर दीजिए, अगर पाउडर है तो लास्ट में ऐड करें जब हमारा धनिया भून जाए, जीरा भून जाएगा तब। फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसे भून लेंगे। अब इसमें हम दो चम्मच धनिया ऐड करेंगे। तो ये हमारा दही बड़ा का मसाला भून चुका है। हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करके पीसेंगे। हमने एक मिक्सर ग्राइंडर में अपने मसाले को निकाल लिया है, ये ठंडा हो गया है। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर लेंगे, ये काला नमक है, और हम इसे पीस लेंगे।
हमने दही वड़ा का मसाला पीस लिया है, तो चलिए अब हम दही वड़ा की गार्निशिंग करते हैं। दही वड़ा की गार्निशिंग करने के लिए हमने लिया है दही, ये आधा लीटर दही है, दूध है, दूध से मैंने दही जमाया है। मैंने लिया है चटनी हरी वाली, पुदीने पुदीने की, चाट मसाला, ये जो मैंने मसाला अभी पीसा था ये वो वाला मसाला है, लाल इमली, इमली की चटनी ली है मैंने, और सजाने के लिए धनिया के पत्ते लिए हैं। सबसे पहले हम दही को लेंगे और हम इसे फेटेंगे। और इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे, हम इसमें आधा कप शक्कर ऐड कर देंगे और इसे फेंट लेंगे अच्छे से। ये हमारा दही फेट चुका है, अब हम दही वड़ा की गार्निशिंग करते हैं। हमारे दही वड़ा सोख हो चुका है, अब हम इसे पानी को इसे निकाल लेंगे अपने हाथों से। मैंने कुछ गोल बनाए हैं दही बड़े, एक कप दही बड़े से, एक कप अगर आप उड़द का दाल लेते हैं तो लगभग उसे 20 से 21 मीडियम साइज के दही बड़े तैयार हो जाते हैं। इसमें हम सबसे पहले दही ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें इमली की चटनी ऐड कर देंगे। पुदीने की चटनी, ये हमने वो जो मसाला पीसा था दही वड़ा का ये वो मसाला है, हम इसे चुटकी भर स्प्रिंकल कर देंगे। चाट मसाला, और धनिया के पत्ते से हम इसे सजा देंगे। आप अगर इसमें चाहें तो नायलॉन सेव भी ऐड कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। तो लीजिए तैयार है हमारे दही बड़े। तो लीजिए दोस्तों तैयार है हमारे दही बड़े, इसे जरूर ट्राई करें और अपने अनुभव उसे जरूर शेयर करें। तो दोस्तों देखते रहिए मेरा वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरा वीडियो तुरंत देखें तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मैं मिलती हूँ आपको एक और रेसिपी के साथ। बाय बाय।